नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पूर्व जन्म के कुछ किस्से। उसका एक पार्ट है ये। एक बहुत ही मज़ेदार ये रहा एक अनुभव हमारा, जिसको हमें किसी पर्सन का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और कर्मों के सिद्धांत की एक बहुत ही खतरनाक चीज़ सामने आई। मज़ेदार इसलिए क्योंकि इससे समस्या का समाधान हो गया पूरी तरह से। एक लड़का हमारे पास आया, जिसकी एज लगभग 18-19 साल की है, और अभी तो इस बात को 4 साल हो चुके हैं। इस घटना को मैं रिकॉल कर रहा था, कुछ पुरानी यादों को, तो उसमें मेरी डायरी में नोटेड थी ये घटना जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। तो ये लड़का जब हमारे सामने आया, इसने कहा कि मुझे अपनी क्लास की लड़कियों से बहुत डर लगता है। 18 साल की इनकी लगभग एज थी उस समय में। कहा कि मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है, और साथ ही साथ मुझे ऊंचाई का बहुत ज़्यादा डर है, और मेरे सिर में भी पीड़ा रहती है, मतलब यहाँ सिर में बहुत पीड़ा रहती है, कभी कभी बड़ा भारी दर्द उठता है। इसमें से किसी भी जो भी चीज़ें इसने बताई, जैसे सिर के दर्द के बारे में इसने बताया कि मैंने MRI तक करा कर देखा है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता जिसके कारण दर्द होता हो, और लड़कियों से डर लगने का कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता। तो इस लड़के का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी सामने आई। स्टोरी ये थी, ये लड़का पिछले जीवन में लगभग 1960-65 के आसपास, ये इस लड़का पिछले जीवन में, इसकी एज उस समय में 25-30 साल की थी, और ये लड़का उस समय में एक चकला घर यानी कि वेश्यालय चलाता था। उस समय में ये एक स्त्री था जो कि वेश्यालय की मालकिन था, तो ये ग्राहक अरेंज करता और लड़कियां जो है उनको सप्लाई करता, इस तरीके से इसका काम था। तो लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जगह जगह से लाता, खरीदता, लोग उसको लाके बेच देते और उनको इस धंधे में उतार देता। तो लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था शुरू शुरू में। जो लड़की इसके बात को नहीं मानती थी, उसको ये उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। कई कई दिनों तक उसे भूखा रखता, उसे बहुत मारता, बहुत तरह तरह से उसे तड़पाता था। फाइनली उसे इस धंधे में उतरने में मजबूर कर देता था, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरने में मजबूर कर देती थी उस समय में ये लेडी था। तो उसने पाया कि ऐसा करते करते उसने अनेक लड़कियों को, लगभग 17-18 लड़कियां थी उस समय में इसके पास, और ये बात थी गोवा की। गोवा में ये कोई वेश्यालय चलाता था उस समय में। तो एक बार वहाँ की लड़कियों ने जो है आपस में कुछ सलाह बनाई कि जो लोग इसके अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, आपस में उन्होंने चुपचाप सलाह करी। इसकी एज बहुत कम थी उस समय में, मतलब 30 साल के आसपास की एज थी, और उन्होंने मिल के एक दिन इसको, ये जो जिस बिल्डिंग में ये लोग थे, तीसरी मंजिल थी, तो तीसरी मंजिल से इन्होंने, लड़कियों ने मिल के इसको उठाया और इसको मुंह बांध कर इसको तीसरी मंजिल से सिर नीचे करके, ताकि सीधे पत्थर पर इसका सिर लगे और ये मर जाए, तो इन्होंने उसे ऊपर से फेंक दिया, तीसरी मंजिल से फेंक दिया। और ऐसा ही हुआ, ये ऊपर से गिर रहा था और जोर से इसका सिर लगा और इसका सिर फट गया और ये वहीं पर मर गया। तो इसके मरते ही इसकी सोल को जब हमने इससे कॉन्टेक्ट किया कि तुम्हें कैसा लग रहा है, इसको बहुत भयंकर पीड़ा हुई, मतलब उस अर्धचेतन अवस्था में भी, क्योंकि जब वो पास लाइफ में हम उसे लेकर गए थे तो बहुत ही डीप हिप्नोटिक ट्रांस में था, उस अवस्था में भी इसके मुंह से आहा निकल गई, इतनी जोर से जो पेन हुआ जब हम इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो इतनी जोर से दर्द हुआ। फिर हमने इसे पूछा कि क्या हुआ,
तो उसने कहा कि मैं मर चुका हूँ, मेरी लाश पड़ी हुई है, सिर पूरा फटा हुआ है और मेरा भेजा बाहर आ चुका है, मेरा खून चारों तरफ बिखरा हुआ है और मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है। और मुझे देखकर वो जो लड़कियां थी वहाँ की बहुत सुकून की सांस ले रही हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, हमारी मुक्ति का रास्ता खुला। और वो लड़कियां खूब खुश हो रही हैं। और मैंने कहा कि आपकी आत्मा को कैसा अनुभव हो रहा है, तो उसने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है, पर एट द सेम टाइम मेरी आत्मा जो है वो एक तरीके से कुछ शांति का अनुभव कर रही है, क्योंकि मेरे जो पाप का बोझ था उसकी सजा मुझे मिल चुकी थी, जो मुझे हर समय कचोटता रहता था मेरे अंदर कि मैंने इतने लोगों को दो पीड़ा दी है, वो दर्द मुझे कहीं ना कहीं कचोटता रहता था, आज वो दर्द का अंत हो गया। मतलब कुदरत जो अवचेतन मन है वो अच्छे से जानता है कि तुम क्या ठीक कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, तो इसका मन इसे बार बार गवाही देता था कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस चीज को करता चला जा रहा था। वो भी इसकी पिछली किसी जीवन की डिमांड रही होगी जो वो पूरी कर रहा था। तो उसने फाइनली अब ये किसी पूरे गुरु का शिष्य था, पिछले जीवन में पूरे गुरु का शिष्य था, इस जीवन में इसकी कोई डिजायर रही होगी जिसके कारण इसे वेश्यालय चलाने के गंदे धंधे में उतरना पड़ा। और फिर इसने पाया कि उस जीवन का जब अंत हुआ, उसकी जो मौत हुई, उस समय भी उसके गुरु सामने आ गए। उसके गुरुदेव ने उसे कहा कि कितना घटिया जीवन तूने जी लिया, अब ये गलती दोबारा रिपीट मत करियो, अब माफी मांग ले, हर चीज के लिए माफी मांग और ये गलती दोबारा मत करियो। तो अब ये सारी बात इस सारी घटनाक्रम को देखने के बाद गुरुदेव ने उसे ऊपर एक पर्टिकुलर अपने लोक में भेजा। उसका कार्मिक हिसाब किताब वहां पर हुआ, लेकिन उसी कर्मों के फलस्वरूप जो ये इस जीवन में जब ये व्यक्ति आया, तो इसको अब समझ में आता है, इसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको समझ में आया कि ये इसको जो लड़कियों से डर लगता है, वो लड़कियों से डर इसीलिए लगता है क्योंकि इसने उनको उस गंदे धंधे में उतारा, तो ये लड़कियां इसके प्रति इसको डरावनी लगती हैं, क्योंकि वो लड़कियां इसको इसके प्रति बहुत बुरा फील करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको ऊंचाई से डर क्यों लगता था, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तीसरी मंजिल से, तो वो भयंकर पीड़ा उसे नीचे झेलनी पड़ी, और इसको सिर में पीड़ा हुई, तो इसलिए इसके सिर में भी उसको पीड़ा पेन बहुत रहा करता था। तो इससे सारी चीजों का आंसर भी मिल गया। और मजे की चीज, जो इसके सर के अंदर जो दर्द था, वो दर्द जो है सदा के लिए समाप्त हो गया। उस वक्त तो बहुत पीड़ा हुई इसे जब वो उस प्रोसेस से गुजर रहा था, लेकिन जब ये इस प्रोसेस से निकलकर बाहर आ गया पूरी तरह से, तो इसने बताया कि मेरे वो दर्द सदा के लिए पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और बाद में इसने ये भी बताया कि मेरा जो लड़कियों के प्रति जो डर था, जो वो सारा डर जो है वो समाप्त हो चुका है, और अब मैं नॉर्मल तरीके से उनसे बात कर पाता हूँ, उनसे बिहेव कर पाता हूँ। और उस घटना के बाद से ये अपने गुरु से भी बहुत प्यार से जुड़ गया, क्योंकि वो जो पिछले जीवन के गुरु थे उन्हीं की श्रृंखला के गुरु अभी भी इनको मिले हुए थे, और उन्होंने ही इनको सही रास्ता भी दिखाया, और इस जीवन में भी उनके वही गुरु थे, तो गुरुदेव ने सही रास्ता भी दिखाया और कहा कि अब ये इस तरह की बेवकूफियां दोबारा मत करना और इस चीज से बाहर आ जाना। इसने गुरु का शुक्रिया भी किया, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी इसको अनुभव हुआ, हमें भी इस बात को जानकर, क्योंकि लोग स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए इस पूरी घटना को जानकर, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा, ताकि हम लोग भी सीख ले सके कि जीवन में, हमारे जीवन की कोई भी आज की जो घटना है, वो अगर आपको कोई भी ऐसी पीड़ा है, कोई भी ऐसा डर है, कोई भी ऐसी चीज जो बचपन से है, कोई भी फोबिया है, मौत का डर है, अंधेरे का डर है, ऊंचाई का डर है, पानी से डर लगता है, या आग का डर है, या कोई भी और तरह की पीड़ा है, जैसे सिर में पीड़ा मैंने आपको बताया, इस केस में एक व्यक्ति को पीठ के पीछे पीड़ा रहती थी, तो उसे कभी भाला लगा था पिछले जीवन में, मैंने पहले भी ये वीडियो शेयर किया है। तो इस तरह के जो कोई ऐसी पीड़ा जिसका आपको नॉर्मल तरीके से कोई सिम्टम का कोई कारण समझ में ना आ रहा हो, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि इसका जो कारण है वो पिछले जन्म से संबंधित है,
और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से इस थेरेपी के द्वारा इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको एक समझ दी होगी, इस वीडियो ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।